नमस्कार समाचार साथे हूं छु अनवी। हवामान विभाग ना जणाव्या अनुसार राज्य में आगामी सात दिवस वातावरण यथावत रहेशे। हाल तापमान पारो 34-36 डिग्री नी आसपास रहेशे। अमदावाद में 35 डिग्री तापमान रहेवानी शक्यता छे। अगले पांच दिन में पूरे गुजरात स्टेट में बारिश होने का कोई संभावना नहीं है और टेम्परेचर जैसे अभी चल रहा है मोस्टली ऐसे ही टेम्परेचर रहेगा, अराउंड 35-36 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर अराउंड 23-24 डिग्री सेल्सियस होने का संभावना है और बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। विभाग जणाव्या अनुसार दक्षिण पूर्व दक्षिण मध्य अरबी समुद्र में लो प्रेशर बन्यू छे, जेने कारणे अरबी समुद्र में माछीमारों दरियो न खेडवा सूचना आपवामां आवी छे। 21 तारीखे लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन में परिणमशे, डिप्रेशन बाद डिप्रेशन बनशे तो वावाजोड़ा में परिणमशे। जोकि हाल लो प्रेशर सिस्टम पर हवामान विभाग सतत मॉनिटरिंग चालू छे। आ लो प्रेशर ने गुजरात पर केवी असर थशे ते विशे हाल कई कहेवू वहेलू हशे। ऑक्टोबर लगभग 21 अक्टूबर का आजूबाजू में डिप्रेशन बनने का संभावना है, जिसके कारण से पूरा फिशरमैन को भी वार्निंग दिया गया है और पोर्ट वार्निंग भी दिया गया है। और ये एरिया में ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरबियन सी जो एरिया में बना हुआ है इस एरिया में फिशरमैन और नवरात्रि में रातभर गरबा चालू रखवा मामले गृहमंत्री हर्ष संघवीए राहत आप्या बाद विवाद हाईकोर्ट में पहुंचो। मोड़ी रात सुधी चालता गरबा थी परेशान नागरिके गुजरात हाईकोर्ट में फरियाद करी। आ मामले हाईकोर्टे स्पष्ट कर्यू कि जो कोई नागरिक 12 वाग्या पछी वागता लाउडस्पीकर बाबते फरियाद करशे तो पुलिसे कार्यवाही करवी पड़शे। अरजदारे मोड़ी रात सुधी लाउडस्पीकर कारण परेशान थवानी फरियाद करी छे। ताजेतर में मोड़े सुधी गरबा चालशे तो पुलिस दखल नहीं करे तेव गृहमंत्री हर्ष संघवी निवेदन आप्यु, परंतु स्पीकर कारण थता ध्वनि प्रदूषण ने रोकवा माटे अगाउ निर्देशों अपायेला होवानी बाबते कोर्टे स्पष्टता करी। तेवज अगाउ जे हुकम पसार थया छे तेना पालने जवाबदारी पुलिस विभाग ने रहेशे तेम जणाव्यु। તત્વોની દાણી લીમડામાં બસ રોકવા અંગે બજરંગ દળ બાદ વીએચપીના કાર્યકરોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું। હિન્દુ સંગઠનોએ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કરી રોષ વ્યક્ત કર્યો। બજરંગ દળની પોલીસ ફરિયાદ દાખલ નહીં કરાતા અનોખો વિરોધ કરાયો। દાણી લીમડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધરણા અને લામધૂન બોલાવી દેખાવો કર્યા। બજરંગ દળ દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાની માંગ કરાઈ। 8 ઓક્ટોબરે શૌર્ય યાત્રા સ્થાપના કરી અમદાવાદ આવતી બસમાં જય શ્રી રામના નારા લગાવતા અસામાજિક તત્વોએ બસને રોકી હતી। આ બનાવનો હિન્દુ સંગઠનોએ વિરોધ કર્યો હતો। गुजरात सरकार ना विविध विभाग में सरकारी नौकरी करता फिक्स पगार ना कर्मचारियों माटे सारा समाचार सामे आव्या छे। सूत्रों द्वारा मळती माहिती अनुसार दिवाळी पहला गुजरात सरकार फिक्स पे ना कर्मचारियों ने मोटी भेट आपी शके छे। दिवाळी पहला सरकार फिक्स पे ना कर्मचारियों ना पगार में वधारानी जाहेरात करी शके छे। आपने जणावी दीए कि लांबा समय थी पगार वधारो आपवानो बाकी छे अने आ अगाउ राज्य सरकारे करार आधारित कर्मचारियों माटे महत्वपूर्ण निर्णय लीधो हतो, जेमा करारना समय दरमियान कर्मचारियों अवसान थाय तो कर्मचारी ना परिवार ने रूपया 14 लाख आर्थिक सहाय आपवानो निर्णय राज्य सरकार द्वारा लेवामां आव्यो हतो।